गिरिराज में अधिकारी की खुली गुंडाई आई सामने। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल बना बड़ा गुंडा। उन्नाव सीडीओ दिव्यांशु पटेल की खुली गुंडाई का वीडियो वायरल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव कवरेज कर रहे टीवी पत्रकार को सरेआम पीटा। सीडीओ ने वीडियो जर्नलिस्ट को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पत्रकार के साथ हुई अभद्रता का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कैमरामैन के साथ मारपीट करते दिख रहे सीडीओ दिव्यांशु पटेल। इससे पहले भी सीडीओ दिव्यांशु पटेल कर चुके हैं पत्रकारों के साथ बदतमीजी और बदजुबानी। आपको बता दें कि यूपी में योगी राज में पत्रकार के साथ सीडीओ दिव्यांशु पटेल ने सरेआम मारपीट कर दी, क्योंकि दिव्यांशु पटेल खुले गुंडाई कर रहे हैं और पत्रकारों को जिस तरीके से मारा जा रहा है वह एक बेशर्म अधिकारी की कहानी को बयां कर रहा है। अब इस पर पत्रकार धरने पर बैठ गए और सीडीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उन्नाव। कृष्णा, ये बताओ तुम्हारे साथ क्या पूरी अभद्रता पे जिला प्रशासन ने किया है और किसको लेकर ये बवाल हुआ? आज ब्लॉक प्रमुख को लेकर नौ जिले में चुनाव चल रहे हैं। मियांगंज हम लोग सुबह कवरेज करने आए थे, अभी जगह हम लोग पीछे कवरेज करने गए थे, वहाँ पे दो स्कॉर्पियो में गाड़ी भरे लोग आए, हम लोग मारा पीटा है, मेरे दोनों मोबाइल तोड़ दिए गए हैं। उसके बाद हम यहाँ जहाँ मतदान हो रहा है यहाँ पर खड़े हो गए थे। कुछ लोग अलग अलग पार्टी कार्यकर्ता यहाँ टहल रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है। उसके बाद सीडीओ साहब आया, फोर्स आया था, यहाँ सीओ भी थे हम बांगरमऊ और दौड़ा रहे थे, जो हमसे धक्का मुक्की करने लगे। हमने कहा कि मैं पत्रकार हूँ, कैमरा मेरा ऑन था और हमको मारने पीटने लगे, मुझे गाली दे रहे हो, बराबर हमको मारते चले गए। ये देखो मारा पीटा, ये मेरा नाखून फट गया है, ये देखिए मतलब सीडीओ का वीडियो भी मेरे पास रिकॉर्ड है और खुले मारपीट कर रहे हैं। अगर कोई सिपाही मारता तो मैं सोचता कि बुरे जिले में इतना फोर्स है, मुझको नहीं पहचान पाया, पर सीडीओ लगातार मीटिंग में आते पहचानते, उसके बाद हमको जबस्ती मार रहे हैं। सीडीओ किसने मारा पीटा? कुछ बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता और भी थे जो गले में दुपट्टा कुछ अंगोछा डाले थे, वो लोग मारपीट कर रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे प्रशासन कोई कार्रवाई कर पाया है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सारे कार्यकर्ता सब आसपास घूम रहे हैं, उनको पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उनको हाथ पकड़ पकड़ के किनारे पर किनारे कर रही है ले जाए जाके, और उल्टा गुस्सा मीडिया पर निकाल रही है केवल।